भैया प्लीज मुझे मसूरी जाने दो ना, मेरी फ्रेंड्स का ये दूसरा ट्रिप है और मैं अब तक एक भी बार नहीं गई। नहीं भावना, ऐसे मौसम में ऐसे अल्टीट्यूड पे जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जाने दीजिए ना, वैसे भी करना ही क्या है, सिर्फ गर्म कपड़े पहनने और दवाइयाँ लेनी है बस। भाई हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा परवाह करता हूँ मैं इसकी। पता है ना उसे क्रॉनिक अस्थमा है? अरे तुम्हें कहाँ समझा रहा हूँ, हिंदी में दमा बोलते हैं उसे, दमा। इसकी सेहत के लिए क्या करना होगा तुम मुझे समझाओगी अब? नॉनसेंस। भैया अब भाभी से ऐसे क्यों बात करते हो? एटलीस्ट मेरे सामने तो मत करो, बहुत ऑकवर्ड लगता है। देखो भावना, स्वाति से शादी करना ना मेरा फैसला नहीं था, बाबूजी का फरमान था ये। और तुम जानती हो हमारे घर में बाबूजी के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है। वैसे भी यार वो मेरी लाइफ में कहाँ फिट होती, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलाना तो दूर, मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। एक छत के नीचे दोनों रह रहे हैं ना, बहुत है ये। इस पनौती से अच्छा ना ये लक्ष्मी है, फालतू के सवाल तो नहीं करती। सारा मूड खराब कर दिया है। क्या गजब ढा रही हो आज तो, अपना ये मेनका वाला रूप कहाँ छुपा के रखा था? रहने दो, आपको मैं कहाँ पसंद ही हूँ, हमेशा छोटी छोटी बातों पे सबके सामने डांटते रहते हो। अच्छा बाबा सॉरी, बुरा लगा तुम्हें? अरे नहीं करूँगा वापस, लेकिन इतनी छोटी सी खता की सजा इस तरह तड़पा तड़पा के तो मत दो ना। स्वाति, 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 पागल हो गई हो? इतनी देर से तुम्हारा नाम बुला रहा हूँ, कहाँ खोई हो? वो मैं दूध तो रख दो यहाँ पर, क्या हो गया? और क्या पहनाई? पहनने से पहले सोचना चाहिए ना कि कैरी कर सकती हो, तुम पे सूट करता है या नहीं करता है। जाओ जाके चेंज करके आओ। अरे देख क्या रही हो, गो। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो जीते रहो, इतनी देर से तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है, उठाए गए नहीं रहे हो? अब बाबूजी वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए ना क्या बात है? हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर है मिश्रा जी, उनका बेटा है राहुल, उसकी नौकरी लगी है तुम्हारे शहर में, एड्रेस दे दिया हम तुम्हारा, उसको आएगा वो तुम्हारे पास, तो उसको घर दिलवाने में मदद करना, और जब तक उसको घर नहीं मिल जाता है उसको अपने पास ही रख लेना, ठीक है? जी बाबू जी, और कुछ? सुनिए आपका टिफिन रेडी हो गया है। प्रणाम। हेलो भाभी। कौन आप? भाभी मैं राहुल, सत्यजीत मिश्रा का बेटा। ओ राहुल, अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, आओ ना अंदर आओ। चल। इतने बड़े हो गए हो, मैंने पहचाना ही, और ये डोले शोले। भाभी बस ये तो यूं ही। राहुल भैया प्रणाम। भैया अबे पैर क्या छू रहे, इतना बड़ा हो गया गले मिल। भैया आप भी ना, कैसे भावना? राहुल पानी। थैंक यू। और भावना
तुमने पहचाना कैसे? भैया वीडियो कॉल, इस राहुल के बच्चे से हमेशा वीडियो कॉल पे बातें होती है। जी भैया, वीडियो कॉल पे आपकी और भाभी की खबर हमेशा लेता रहता था। अच्छा राहुल, तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ, चलो राहुल, तुम हमारा कमरा बता। चलो। अरे भावना रुको, भावना तुम नहीं, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना, लक्ष्मी बता देगी। दवाई? हाँ, वो भावना को दमे की बीमारी है ना। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं यार, छोटी सी चीज़ है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तू एक काम करो, आराम करो जाके। लक्ष्मी, इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाओ। आओ ना, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। ठीक है। किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसकी जरा भी आपको नहीं है। अभी आपको क्या जरूरत थी राहुल को मेरी बीमारी के बारे में बताने की? भैया सही कहते हैं, अब किसी से मिलवाने के लायक नहीं है। आइए, ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये आपका बेड है, यहाँ आराम से सो सकते हैं। आप अंदर आइए ना। हाँ जी। ये देखिए, आपका बेड काफी बड़ा है ना, और यहाँ सारे पिक्चर भी लगे हुए हैं। और आइए ना, मैं आपको। चलिए आप चलिए। हाँ आइए, ये ना, ये बाथरूम है। आइए, ये आपका बाथरूम है, अब काफी बड़ा है ना, अब आप यहाँ आराम से नहा भी सकते हैं, और चाहे तो और भी। लक्ष्मी जी, आइए आप बाहर आइए। वो मैं आपसे क्या कह रही थी, प्लीज डोंट कॉल मी लक्ष्मी जी, सिर्फ लक्ष्मी। इंप्रेसिव, लक्ष्मी। आई एम किचन, कोई आता जाता नहीं है। आप बोलिंग, आई एम कमिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। अभी के लिए थैंक यू, मैं बुलाता हूँ आपको। याद कीजिए, हाँ, कुछ भी चाहिए। थैंक यू। आई एम किचन। मैं आज बेंगलोर जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, तब तक भावना का ध्यान रखना। और हाँ, वो राहुल 2-3 दिन के लिए यही रुकेगा, उसके सामने ऐसा कुछ भी मत बोलना जिसे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सुनिए, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि जो भी मैं कहती हूँ या करूँगी वो गलत ही होगा? क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस फैमिली के और खासकर मेरे मेंटल स्टैंडर्ड को ना कभी मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज अपना मुंह बंद रखना। ना तो हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। हॉट तो दिखूंगी ना, तुम्हारा इतनी देर से इंतजार करते करते मेरा सर जो तब गया। अच्छा बाबा, सॉरी। अरे मेरी सेक्रेटरी साहिबा, गाड़ी में बैठ जाइए, वरना फ्लाइट मिस हो गई ना तो कॉन्फ्रेंस यही करनी पड़ेगी। और सोच लीजिए, मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। राहुल, खाना खा लिया था तुमने? जी भाभी। अच्छा, खाना आपने बनाया था? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, खाना बहुत अच्छा बना था। सच बताऊं तो मुझे घर के खाने की याद आ गई। चलो अच्छा है, वरना 4 साल हो गए शादी को, आज तक किसी ने हमारी तारीफ नहीं की।
अपने फ्रेंड सर्कल में मिलाना तो दूर, मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। पहनने से पहले सोचना चाहिए ना कि कैरी कर सकती हो, तुम पे सूट करता है या नहीं करता है। अरे भाभी, खाना ही नहीं बल्कि आप खुद कितनी सुंदर हैं। रहने दो, हमें इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम हर खूबसूरत चीज की तारीफ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। पागल। अरे राहुल, मैं कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें, तुम आई नहीं चाय पीने के लिए। ये लो चाय लो। एक्चुअली भाभी, मैं एक इम्पोर्टेंट मेल कर रहा था। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू भाभी। क्या हुआ भाभी? वो कुछ नहीं, हम हमेशा से वो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते थे, लेकिन हमारे बाबूजी को लगता था कि शादी के बाद तो हमें रसोई संभालनी है। भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो दो मिनट में सीख जाएंगे, मेरे तो भाई हाथ का कमाल है। आइए। अरे हम कहाँ अभी, हम। अरे भाभी आइए। भाभी। अरे क्या हुआ भाभी, आपने किताब क्यों छुपा दी? वो क्या है ना, हम थोड़ा सा फ्री थे तो हमने सोचा हमारी अंग्रेजी पे थोड़ा काम कर लेते हैं। दिखाइए। उनके जितना तो नहीं बोल पाएंगे, बस कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, किसी भाषा का ना आना या कम आना उससे उस इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में नहीं दर्शाया जाता। आप वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको आती है ना, ये अंग्रेजी है। अगर ऐसी बात है भाभी तो आज से आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप इतना काम करके थक जाते, मैं सीख लूंगी। ओहो भाभी, अब आप फॉर्मल होने लगे। चलो एक डील कर लेते हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और आप मुझे अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना खिला देना, ठीक है? पक्का। लीजिए। अच्छा भाभी, मैं आपसे एक बात बतानी तो भूल ही गया, आपने जो कल ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, उसमें आप बहुत सुंदर लग रही थी। अरे भाभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज की बात कोई ले लीजिए, जैसे आज आपने जो साड़ी डाली है यही आपके ऊपर कितनी सुंदर लग रही है। एक राज की बात बताऊं, अगर भैया ने आपसे शादी नहीं की होती ना तो मैं आपको प्रपोज कर देता। मैं आपको एक बात बतानी तो भूल ही गया, आपने जो कल ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, उसमें आप बहुत सुंदर लग रही थी। साल के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। और बाय चांस अगर भैया को पता चल गया ना, भैया तो मुझे और साथ में तुझे भी परेशान मैं तो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा एक काम कर, इसको किचन में खींचा और धो के अच्छे से रख दे, भाभी को पता चलेगा ना वो हल्ला मचा देंगी। हाँ हाँ पता है, कयामत आ जाएगी। चलो मैं आती हूँ। लक्ष्मी क्या कर रही है? भावना, ये
राहुल, डॉक्टर शाह को फोन करना पड़ेगा। पिछले 2 साल में इसे ऐसा अटैक नहीं आया। मैं तुम्हें नंबर देती हूँ। जी भाभी। तुम्हारी प्यारी पत्नी का फोन आ रहा है। हमेशा ना गलत समय पे फोन करती है। सबक सिखाने ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब मैं बार बार फोन कट कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं बिजी होऊंगा। क्यों फोन कर रही हो बार बार? सुनिए, भावना को अस्थमा का अटैक आया है। क्या? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो ठीक है, मैंने डॉक्टर शाह को बुला दिया है। तुम्हें मैंने बोला था 2 दिन के लिए उसका ध्यान रख लो, तुमसे उतना भी नहीं। तुम छोड़ो यार, तुम डॉक्टर शाह से मेरी बात करो। डॉक्टर, राजीव जी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ राजीव? भावना को अस्थमा का अटैक आया है। इस स्वाति है ना, कुछ हैंडल नहीं कर पाती घर पे। अरे भैया, भावना कहाँ है? क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? भैया भैया, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, थैंक गॉड यार, मेरी जान ही निकल गई थी। भैया थैंक्स गॉड को नहीं, राहुल को करिए। अगर वो नहीं होता ना, मैं तो कल सीधा, भैया मेरा इनहेलर खत्म हो गया था। थैंक्स राहुल, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं भावना के साथ में कैसी बात कर रहे हो भैया, मेरा भी तो परिवार है। और हाँ, मैंने एक डिसीजन ले लिया है, तुम्हें फ्लैट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे हमारे साथ में रहोगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? राहुल, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बात मानो मैं। अरे आप लोग भी कुछ बोलो, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल राहुल, तुम ये रहोगे? हाँ राहुल, हमारे साथ ही रहोगे। राहुल सुनो ना। हाँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। परफेक्ट, प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दो ना, मैं लेट हो गई हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, चलो। थैंक यू यार, तुम मिल गए, वरना मैं लेट हो जाती। वैसे कॉलेज और घर के अलावा कहीं और बाहर आना जाना होता है क्या? कहाँ जाऊंगी, बस एक दोस्त के साथ कॉफी पीने चली जाती हूँ कभी कभी। वैसे कॉफ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन हमें कौन बताए शहर में अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है। हम ठहरे अजनबी। बाय द वे, ये बहुत पुराना तरीका नहीं हो गया लड़की को डेट पे ले जाने का? पुराना तो है, लेकिन तुम्हें समझ में तो आया। तो अच्छा, तुम तो बड़े घाई में हो। सोचूंगी, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत लेट हो रहा है। चलो मुझे आपके कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। ओके। इस नाराजगी की वजह? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे शिमला लेके जाएंगी कॉन्फ्रेंस के लिए। अरे मेरी प्यारी शालू, शिमला क्या, मैं तो तुम्हें कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर लेके जाना चाहता हूँ। रियली? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, कभी भी खत्म ना हो।
फाइनली तुम आ ही गई। एक्सक्यूज मी, तू क्या पीछे? इतने पास हो। अभी यकीन नहीं हो रहा। क्या बचा है? I'm so lucky to have you in my life. I love you, Rahul. I love you too. राहुल जी भाभी, वो मेरे रूम का शावर काम नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम तुम्हारा बाथरूम यूज कर लें। हाँ हाँ ऑफ कोर्स भाभी, आप शावर ले लीजिए, मैं तब तक हॉल में बैठता हूँ। अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं बस शावर लेकर अभी आई, तुम बैठो। जी भाभी। जी भाभी। बड़े स्मार्ट हो, जब भी गिरने वाली रहती हो अपने आप पहुंच जाते हो। तुम्हें गिरने से कौन रोक रहा है? बस गिरो तो मेरी बाहों में। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्या हुआ? मुझे लगा कोई देख रहा है, कोई है वहां। कोई भी तो नहीं है। क्या हुआ राहुल, पीछे क्यों खड़े हो? नहीं वो भाभी, वो पानी। क्या हुआ, प्यास लग रही है? नहीं भाभी। अरे तुम तो बहुत घबराए हुए से लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, वो आपको एकदम से ऐसे देखा ना तो ऐसे देखा या
हमारी नई नाइटी अच्छी नहीं लग रही क्या? देखो ये रंग हम पे जच नहीं रहा है, आज हम सुंदर नहीं लग रहे क्या? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, आप तो हर रूप में सुंदर लगती हैं भाभी। अकेले में तो नाम से बुला सकते हो ना, इतने भी बड़े नहीं हैं हम तुमसे। राहुल हम कब तक ऐसे चोरी चोरी मिलते रहेंगे? तुम भैया से हमारी बात कब करोगे? भावना थोड़ा टाइम दो, मैं भी थोड़े पैसे कमा लूंगा और तुम्हारी भी लोग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर भैया से बात करते हैं। जल्दी करो ना, मुझसे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह जाता। क्या हुआ भावना? मुझे ऐसा लगा वह भाभी हैं। भाभी? दादी मैं तुम्हें उस दिन भी कह रही थी, पक्का भाभी है। लेकिन भावना वहां तो कोई भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, सीधा जाके भाभी से ही बात करती हूँ। भाभी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, बैठो। नहीं मतलब आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? नहीं तो नहीं, मुझे लगा शायद दो तीन दिन से आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आपको पक्का कुछ नहीं कहना? नहीं। ठीक है भाभी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कंटिन्यू। दरवाजे पे खड़े ही रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? आओ ना जल्दी। खड़े ही रहोगे या बांधोगे भी? मुझे लगा राजीव है। सॉरी भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए बह गया था, मैं चलता हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे रोज बहको। भाभी मुझे ना, मुझे एक ऑफिस से अर्जेंट कॉल आना है, मैं चलता हूँ। We'll be right back.
दरवाजे पे खड़े ही रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे रोज बहको। क्या हुआ, प्यास लग रही है? अकेले में तो नाम से बुला सकते हो ना, इतने भी बड़े नहीं हैं हम तुमसे। अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? मेरी हिम्मत कैसी हुई राहुल को हाथ लगाने की? निकलो यहाँ से। तुम्हें कोई और छुए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी वैसे छूने से याद आया, भावना आई थी मेरे पास। घबराओ मत, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरे हो, है ना? अभी वो क्या कर रहे हैं? लीला का वीडियो, सोचो अगर ये वो क्या कहते हैं इंटरनेट पे वायरल हो गया तो बेचारे बाबूजी हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे, और राजीव तो तुम्हारा क्या हल करेंगे? भाभी आप, भाभी आप ये सब क्यों कर रही हैं? भाभी तुम्हारे साथ सिर्फ दो पल। भाभी अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? भाभी मेरी बात सुन रहे हो? राहुल तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं यहाँ हनीमून का प्लान कर रही हूँ और तुम? नहीं कुछ नहीं है बस। क्या कुछ नहीं? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऑफिस का थोड़ा प्रेशर है सो बस। क्या प्रेशर है, मुझसे शेयर करो। सही वक्त आने पर बताऊंगा, अभी नहीं। ये सब छोड़ो ना, तुम कुछ हनीमून के बारे में कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे। हम शादी कब कर रहे हैं? और हम कर भी रहे हैं या नहीं? मेरी बात शालिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा ऑफ कोर्स। क्या हुआ तो तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? देखो शालिनी, हमारे परिवार में ना डिवोर्स देना या अलग हो जाना ये सब ना बहुत बड़ी बातें मानी जाती, इतना आसान नहीं है। प्लीज गिव मी सम टाइम। तुम ही टाइम देते देते ना टाइम खत्म हो गया मेरे पास। मुझे पता है जब तुम कुछ नहीं करोगे मुझे ही कुछ करना होगा। काम पूरा होना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन काम सफाई से करना। हाँ। डॉक्टर साहब घर पे आइए जल्दी से। अरे स्वाति गिर गई, आप आइए ना जल्दी से।
I'm so sorry. She's no more. Bobby! 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 इनकी साड़ी पर ऑयल लगा हुआ है, सीढ़ियों पर भी ऑयल है। आई थिंक इनकी मौत सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से हुई है। प्रोसीजर है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर अच्छे से चेक करो। सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले मैंने देखा था। मैं वो किचन में पूरियां तल रही थी, तभी अचानक से दीदी की आवाज आई। अब जब यहाँ आके देखा तो दीदी नो, पर इस समय जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई कदम भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जहाँ इतना इंतजार किया वो थोड़ा और सही। बेबी, पुलिस को हम पर शक हो गया, इंक्लूडिंग मी। देखो, इस समय हम कुछ भी करेंगे ना तो हमारी पूरी गेम खराब हो सकती है। और हाँ, बोलो लक्ष्मी। वो मैं मार्केट जा रही थी तो सोचा आपसे पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, नहीं। देखो लक्ष्मी, इस वक्त पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कैसा लग रहा है बॉस की चेयर पे बैठ के? मुझे सिर्फ चेयर में नहीं, मुझे तो पूरे के पूरे बॉस में इंटरेस्ट है। अरे कौन है ये जो गलत समय पे फोन कर रहा है? हेलो, यस मिस्टर राजीव जी, मैं इंस्पेक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हमें आपकी बीवी स्वाति के कातिल का पता चल गया है। ओके जी। किसका फोन था? पुलिस इंस्पेक्टर का फोन था। उसे पता चल गया स्वाति को किसने मारा। What? सीढ़ियों पर किसी ने जानबूझकर तेल गिराया था ताकि स्वाति फिसले, और ये काम घर के किसी आदमी का है। इनहेलर पे तेल लगा हुआ था और इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। क्या करती मैं सर? मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने ठान लिया था जालबाज औरत को उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। तो मुझे लगा था कि भाभी की मौत एक एक्सीडेंट लगेगी, पर क्या करूं सर, कोई प्रोफेशनल किलर तो हूं नहीं मैं। एंजाइटी अटैक आ गया और मैंने इनहेलर यूज की। Thank you.
भाई की जिंदगी खराब कर दी थी, साथ में राहुल को भी फंसा रही थी। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया सर। भावना क्यों, क्यों किया तुमने ये सब? भैया मैंने तो बस अपने परिवार